हाय गाइस, दिस इज समीक्षा सिंह, वॉचिंग माय चैनल फूड पैराडाइज। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए सेफ टमाटर की सब्जी। अगर आपके पास घर में कुछ सब्जी बनाने के लिए ना हो तो आप ये इजीली बना सकते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। टमाटर सेफ की सब्जी बनाने के लिए मैं चाहिए चॉप टमाटोस, बेसन की सेफ, हरी मिर्च चॉप की हुई बारीक, धनिया लीव्स, जिंजर अदरक यानी ऑयल, लाल मिर्च पाउडर, नमक, राई, जीरा, हल्दी, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। तो चलिए सबसे पहले हम तड़का तैयार करते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, इसको थोड़ा सा हीट अप होने देंगे और उसके बाद ऐड करेंगे जीरा और राई। इसको चटकने देंगे, जब इसमें खुशबू आने शुरू हो जाएगी उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अदरक डाल दिया है, ये बारीक चॉप किया हुआ अदरक डाला हुआ है, हरी मिर्च भी बारीक चॉप की हुई। इसको जब थोड़ा सॉटे हो जाएगा उसके बाद हम चॉप टमेटोज डालेंगे। आप चाहे तो थोड़ा टमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, अगर चॉप टमेटोज नहीं डालना चाहते तो प्यूरी भी डाल सकते हैं इसमें। तो इसको अच्छे से पकने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले यानी कि नमक। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी या भी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसको हिलाएंगे अच्छे से और इसको थोड़ा सा पकने देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको आप ढक के थोड़ी देर पका लीजिएगा। इसको गलाना है हमने अच्छे से, थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से पकने देंगे, जब इसमें एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे सेव। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, छोटी बड़ी सेव आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने थोड़ी छोटी ली हुई है, ज़्यादा बारीक नहीं है, ये नॉर्मल साइज़ की है। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है ये वाली। तो इसको थोड़ी देर पकने देंगे, आप चाहे तो ग्रेवी भी रख सकते हैं, अगर सूखी खाना चाहे तो सूखी कर सकते हैं इसको। अब इसमें डाल देंगे हम धनिया, धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो बस इसको थोड़ा सा पकने देंगे और ये हमारी रेडी हो गई है। आप जरूर ट्राई कीजिए टमाटर सेव की सब्जी। जब आप तो गाइस, आई होप आपको मेरी ये टमाटर सेव की सब्जी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और साथ में बेल आइकन का बटन है वो जरूर प्रेस कर दें ताकि जब मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार और नई रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल फूड पैराडाइज़।